क्या दीदी, क्या बोल रही हो? क्या चालू हो गया? जादू हो गया दादा, तो नहीं हुआ, वही बोल रही हूँ। क्या क्या बोल रही हो? जादू है आपको इतना दर्द? जादू है। जादू है क्या कि आपको दर्द नहीं हुआ? लेकिन आपको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मुझे इतना अभी तक हो रहा है, ये कैसे हो गया? वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या She's super funny. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये देख लीजिए आज सुबह सुबह क्या हो रहा है। आज मम्मा से पारी पारी चाहिए। हम ने चाय पी रहे हैं सुबह की, और ना मैं नहाई हूँ ऑफकोर्स, और ना ही अविनाश। मैं नहा चुका हूँ। नहा चुके हो? झूठ बोल रहे हो बेबी, अभी तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं नहाने जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। मेरे बालों की नमी देखो, पता चल जाएगा। दिखाओ, इधर आओ। मैं नहा भी चुका हूँ, एक्सरसाइज भी कर चुका हूँ, मैं अपनी सुबह की कॉफी भी पी चुका हूँ। ये कब हुआ? मुझे लगा अभी उठे हो तुम। देखो, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और तुम्हारे साथ तुम्हारा कुत्ता भी खोवत है। कुत्ते की तो जिंदगी है 12 साल की, उसमें 9 साल खो दिए कुत्ते ने। कैसे वो लेटी हुई है आज? देखो, उसका भी मी टाइम है भाई। मी टाइम मेरे ऊपर क्यों है? वी टाइम। वी टाइम आई विल विद यू। आई विल पारी कर दे। अरे उसको पारी नहीं चाहिए भाई, उसको ऐसे ही लेटे रहना था। तुमने बेचारी का कंफर्ट खराब कर दिया। बेबी तुम्हें ज्यादा पता होता है क्या इनके बारे में? ज्यादा पता है क्या? मुझे उनके बारे में तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा पता है। जब कोई बंदा कंफर्टेबली बैठा हो ना, तुम्हें उसको छेड़ना बहुत अच्छा लगता है। उसकी चूटी काट दी, उसके पेट में कुछ घुसा दिया, लात मार दी, बाल खींच दिए। कुछ सोच रही है क्या वो सीलिंग को देख के? क्या सोच रही है वो? टेढ़ी आंखें करके ना कुछ सोच रही है। वो ये सोच रही है कि आज भी कुछ काम नहीं है, क्या करेंगे? तो फिर सोच रही है चलो माँ के पास भी तो नहीं है, वही कर लेंगे जो माँ कर रही है। नहीं, लेकिन पता क्या, हमेशा ये होता है कि घर के लोग जब माँ बाप काम करने जाते हैं ना, तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। ये किस चीज की इज्जत करे बताओ? जितना ये सो रही है उससे ज्यादा उसकी माँ सो रही है। जहाँ से पैसे आएंगे बाप, वो भी घर पे पड़ा है। इसी चिंता में है ना ये कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर क्या है? दो वक्त की रोटी आगे कैसे कटेगी? काम मुझे ही मिल जाए तो अच्छा है। मैं ही कोई काम कर लूं। वो देखो सो गई, सोचते सो गई है वो। और उसको तो दो वक्त की रोटी भी चिकन के साथ चाहिए ना, प्रॉब्लम ये है। हम तो फिर भी दाल के साथ खा लेंगे। यहाँ पे मम्मा के पास ऐसे बैठा हुआ है। तैयार हो गई हूँ और अविनाश कुछ आई थिंक शूट कर रहा है अंदर, और एक बार आता है तो साथ में मिलके हम लोग अपनी दिन की एक कॉफी पियेंगे साथ में मिलके। अगर मैंने अकेली पी ली तो उसको लगेगा कि मैं उससे धोखा कर रही हूँ। पता है मैं अभी भी जैसे ये कैमरा पकड़ रही हूँ ना, तो मेरे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, बताओ। और दीदी को कुछ भी नहीं हुआ। पूछती हूँ शी इज सो फनी, शी इज वेरी फनी। क्या दीदी, क्या बोल रही हो? क्या चालू हो गया? जादू हो गया दादा, तो नहीं हुआ, वही बोल रही हूँ। क्या क्या बोल रही हो? जादू है आपको इतना दर्द? हाँ वही मैं बोल रही हूँ। क्या जादू है? जादू है क्या कि आपको दर्द नहीं हुआ? हाँ। लेकिन आपको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मुझे इतना अभी तक हो रहा है, ये कैसे हो गया? वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या सुपर फनी, यू हैव टू हियर प्रॉपरली। हम लोग आज तक दिखाते नहीं थे, बट हम लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं घर में व्हेन शी टॉक्स। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये जैसे बाथरूम का दरवाजा आप हमेशा खुला रखती हो, इसमें क्या मजा आता है? मतलब कि बास नहीं आता है। बास नहीं आता है उससे? बांध बांध रखने से बास आता है, तो इसलिए खुला रखो हमेशा दरवाजा। अच्छा, ये तो अच्छा तरीका है दीदी। थोड़ी सी तो खुला रख। नहीं, लेकिन जैसे ये दरवाजा हमेशा ही खुला रहता है? नहीं पूरा नहीं, फिर भी थोड़ा खुला ही रखती हूँ मैं। थोड़ा नहीं दीदी, आप तो पूरा खुला रखती हो, पूरा खुला रखती हो, अच्छा लगता है क्या? नहीं दीदी, बांध रखने से बास आता है, थोड़ा खुला रखता है तो बास नहीं आता है कोई चीज का। इनके एपिक आंसर्स होते हैं, ऐसे वाले आंसर्स जिससे इंसान दीवारों पे सर मार ले, ऐसे वाले आंसर्स आपको मिलेंगे। मतलब अब तो धीरे धीरे ब्लॉग में दैट नाउ दैट आप लोगों ने देख लिया है, हम कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते थे क्योंकि हमको खुद ही नहीं समझ में आता था कि क्या बोल रही हैं, उसका मतलब क्या है। लेकिन अब हम लोग ना उस चीज़ को इंजॉय करने लग गए हैं। मतलब अविनाश तो जो मज़े लेता है ना, मतलब हमारे लिए ना एक अलग ही प्राणी है घर में ये, शी इज़ नॉट नॉर्मल। मतलब आप कुछ और बात करोगे, जवाब कुछ और ही भलता ही देंगी एकदम। हम लोग बहुत मजे लेते हैं इस चीज़ के। हाँ जी चेहरे मामा, कंघी कब करानी है भाई? कंघी कब होगी आपकी? कंघी कब होगी चैली मामा की? है गंदू बन के लेटा हुआ है। कोको भैया कहाँ गया? मुझे लगा अविनाश आया है। कोको यहाँ अकेला क्यों छो रहा है? मैं तो तेरे को बाहर लेके गई थी, यहाँ क्यों आ गया?
बैठ जा आराम से बैठ जा। कोई ये क्या शूट करके आए हो? तुम्हें नहीं पता कितने दिन के बाद मैंने चोखा किया, पता कितना मजा आया चोखा करने में। अब ऐसे ही रहो ना पूरा दिन? पूरा दिन ऐसे ही रहूं। हाँ। क्या क्या है ये? कॉफी। फिर बोलोगे कि मेरे बिना पी ली? नहीं, लेकिन अपने जैसी बनाई है। हाँ सेम ही बनाई है, कोई भी ले लो। सारा खेल तो ये होता है कि ये लेफ्ट वाली तुम्हारी है लेकिन सारा मजा राइट वाली में होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो ना, आजा फिर अकेला फील करेगी। आजा नहीं कहाँ पे बैठेगी इसको, तब भी मेरे पास ही बैठना। अपने पास ही बिठाओ, मैं काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा है? एडिटिंग। उसको पता है कंघी कराने के बाद मिलती है? नहीं मतलब इस समय चाहिए, करा नहीं रही थी दीदी से। हो गई क्या? उसकी ढूंढ रही है वो। क्या हुआ? उसमें गिर गई क्या? ओए होए, इधर आई, हटेगी तो दूंगी ना। कोको को कंघी? हाँ कंघी कर दो। कोको की कंघी मेरे को दे दो, एक वाइट की दे दो, इधर ही दे दो। उसको दे दो भाई, उसके कान टूट जाएंगे। जल्दी के चक्कर में ना निकलती है ये। चेरू को और चाहिए क्या? चेरू को और भी चाहिए? अरे बेबी देखो ना कैसी लग रही है, चेरू को और चाहिए बेबी। इधर चेरू को और चाहिए क्या? दे दो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जो जूम कॉल थी वो चली है 2 घंटे 2 से 4 बजे तक, अभी मैं फ्री हुआ हूँ। और आज 4 बजे ही बेबी का प्लान बन गया है कॉफी पीने का। मेरा नहीं बना है, तुम ये घर में पीना चाह रहा था। मैंने कहा मैं 6 बजे मैं बिजी हो जाऊंगी तो तुम्हें पीनी है तो अभी पी लो। इस बात का क्या मतलब हुआ? बाहर जाने के प्लान से इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब तुम बाहर जाते ही हो ना कॉफी पिलाने के लिए, तो मैंने कहा अगर तुम्हें पिलानी है तो फिर अभी चल दो क्योंकि फिर बाहर बाद में नहीं हो पाएगा, ये मैंने कहा। हंस लो, खुल के हंस लो, खुल के हंस लो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो बेटी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने तुम्हें बोला तुम बाद में कहोगे कि मेरे साथ चलो, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगी, तो मैंने कहा चलना है तो फिर अभी चल दो, ये बोला। कॉफी पी के आ गए हैं, घर पे पड़े हुए हैं। मौसम बड़ा ऐसा हुआ कि बड़ी सुहावनी बारिश होगी लेकिन नहीं हुई, बारिश ने धोखा दे दिया। बारिश कल रात को हुई थी ना। और इधर मम्मा चेरू को धोखा दे रही है बेला फुसला के, उसका प्रोग्राम कुछ और है। क्या हुआ? चेरू की आंख नहीं सूझी? कौन सी आंख? ये देखो। नहीं तो नहीं बेबी, ये वाली आंख देखो। हाँ और ये देखो, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा बेबी। हाँ सूजी हुई है। हाँ। रीजन? एलर्जी हो सकती है इसको या कुछ हो सकता है। दीदी चेरी की आंख क्यों सूजी हुई है? इधर आओ। हाँ दीदी थोड़ी सी सूजी तो हुई है, कोई कंघी वंगी तो नहीं लग गई? देखो ये वाली थोड़ा ज्यादा लाल है और बाहर को भी आई हुई है। देखो थोड़ी वो अलग है, वो तो है ही उसके। देखो ये आंख देखो और ये देखो, पता लग रहा है? तो लगाती नहीं, जलाती है ये। जला दे दीदी, जरा दवाई लेके आओ। तो वो दवाई का डब्बा लाओ। कौन सी दवाई? नहीं आंख का नहीं, वो है ना सिट्रिजन, वो जो दवाई का डब्बा है ना वो लेके आओ। ये खुजली भी कर देती। कल मैंने वैसे भी बाल, इसके बाल कटवाने वाले बुला लिए हैं, आएंगे कर हेयर कट के लिए, तो मैं इसको कल पूरा गंजा करा दूंगी और बहुत जरूरी है। इसके अभी पूरा गंजा मत कराना, इसके बाल ना वैसे ही कराना जैसा वो वाला जो ब्लॉग है ना कि सीरियस प्रॉब्लम चेरी की वो खो गई, एक ब्लॉग है उसका टाइटल है, उसमें जैसे इसके बाल है ना वैसे हो जाए ना मजा आ जाएगा। आगे से इतना कट, आंखें पूरी दिख रही है सुंदर सुंदर। हाँ मतलब बाल मतलब बिल्कुल यहाँ से गंजा नहीं कराऊंगी लेकिन छोटे करा दूंगी, ठीक, ताकि पोनी वोनी ना बनानी पड़े। शायद आंखों पे भी इसके बाल आते हैं ना तो उसको तकलीफ होती है, इरिटेट होती है वो। हाँ इरिटेट होती है। अरे आप तो हनुमान, अरे आप तो हनुमान जी की जगह जड़ी बूटी की जगह पर्वत उठा लाई। पर्वत नहीं लाना दीदी, दवाई का डब्बा लाना है सिर्फ। ये पता क्या लेके आई है? जिनमें इनका स्टॉक रखा हुआ है ना वो स्टॉक उठा के लाई है, दवाई जिसमें दवाइयां होती है ना, मैंने वो डब्बा मांगा है। दीदी कहाँ गई? क्या बोल रही हो? अरे दीदी जो हमारा दवाई का डब्बा, इंसानी दवाई डब्बा जिसमें से आपको भी निकाल के देती हूँ। अभी ये भी खिला दोगी तो बाकी इसकी रात की दवाई? कौन सी? कोई दवाई नहीं, रात को भी कुछ खाती है ना? खा लिया खा ली। अब वो कहेगी खेलने चलो मेरे साथ, मेरी आँख सूजी हुई है, आँख लाल है, आँख लाल है। लेकिन इस बात से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अभी बॉल के साथ खिला लो वो खेलेगी। मैं गुल्लू, मेरा रेंडियर कुत्ता, मेरा व्हाइट भालू, मेरा वाइल्ड बोर, इसको चिड़ मची है, उसको भी बुला लो बेबी। मेरा एंजल डॉग, मेरा स्पिरिचुअल डॉग। भाग गई।
चलो अब बोलू बोलू खेलेंगे, चलो भूल गई देखो आराम से। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, ये इसको इतना जोश आया मैं भी तो खेलती हूँ। क्या हुआ है, क्या हुआ है, लगाओ थप्पड़, काम भाग रही है। ये उन लोगों की तरह जो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में अगर कंपटीशन ना हो तो जी नहीं पाएंगे। हाँ तो अरे 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 चाहिए, देखो जलन की देवी लाइट जला के ना अंधेरा जला दिया करो, लाइट बत्ती मत बुझा के रखा करो। लेकिन वो है कहाँ दीदी? हम लोग कमरे में आ गए हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग मैंने भी किया और ये तो अभी पढ़ रहा है। और आज एसी का पानी दोबारा से आज लीक कर रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ बताया था आप लोगों ने लास्ट टाइम कि कुछ एसी का पानी गिरे तो क्या करना चाहिए, प्लीज बताना। घर पे अगर हो सकता तो वो कर ले, आज ही रात में गिरा है, देखते हैं अगर रात को भी गिरता तो। और इसके साथ ही आपको हम मिलेंगे अब कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ये पकड़ो बेबी, पकड़ो कोको को ऊपर सुलाओ। कोको को कहाँ सुलाऊं? ऊपर मतलब उसके बेड पे। अच्छा, मुझे लगा आज कोको हमारे साथ सो रहा है क्या, मेरी नींद उड़ गई। गिर जाएगा ना।